मारिया, जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं, ये इट्स एलिड दैट के ये लोग जो हैं, समटाइम्स दे आर पार्ट ऑफ द अपोजिशन और समटाइम्स दे आर लाइक गवर्नमेंट सपोर्टेड. जैसा कि हमारे नेबर में देखें इंडिया है, मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स आर लाइक फंडेड बाय द गवर्नमेंट या उनके जो अलायज हैं. तो हमारे केस में ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि कभी गवर्नमेंट के साथ, तो इस चीज़ को कैसे, एक तो सबसे पहले ये कितना बड़ा डायलेमा है और इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है? आई थिंक अभी डिलेमा नहीं है. आई थिंक दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल. अगर आप अमेरिका में जाएं तो फॉक्स न्यूज़, हम सबको मालूम है कि वो रिपब्लिकन ज़हनियत की अक्कासी करता है, CNN नहीं करता है, MSNBC नहीं करता, और ये वो मीडिया जो कि 60-70 साल से बहुत सारे तगैयुराती अमल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा है, और उन्होंने सवा फिगर आउट अपनी ऑडियंस को कर लिया. फॉक्स को पता है कि मैंने यही बात करनी है. अच्छा. और वो करते हैं. ट्रंप के दौर में तो बाकी जो वहाँ पे खलीज थी, जो पोलराइजेशन थी, वो मज़ीद गहरी हुई. सो आई थिंक इट्स न्यू नॉर्मल. देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रल, राइट? नॉट एट ऑल. और ऑडियंस भी न्यूट्रल नहीं देखना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर किसी का कन्फर्मेशन बायस है. हर किसी ने चुन लिया है कि उनकी मर्जी का सच कौन बोल रहा है. हाँ, एक चीज़ जो मैं ज़रूर रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI या किसी के साथ अपनी हमदर्दियाँ रखते हैं या आपका जर्नलिज्म उनकी तरफ इंक्लाइंट है. मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम मुझे तब है कि जब आपका आर्ग्यूमेंट इंटेलिजेंट नहीं है. अगर आपने एक इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड आर्ग्यूमेंट के ज़रिए आपकी अगर नज़रियाती उनसे एफिलिएशन है, सो कोई बात नहीं. लेकिन अगर आप एक ट्रोल बन के कोई फिदाइन की तरह जर्नलिज्म करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग. ज़रूर करें. आपको PTI पसंद है, आपको पीपल्स पार्टी पसंद है, PMLN पसंद है, नो प्रॉब्लम. उनके ख्यालात, आइडियोलॉजी से आप मुतासर हैं बतौर जर्नलिस्ट, कोई मसला नहीं. बट एटलीस्ट कंस्ट्रक्ट अ डिसेंट इंटेलिजेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. बहुत सारे लोगों को हम टेलीविज़न पर सुनते हैं, TV भी लगा के अच्छा, चूँकि इसकी ये हमें लगता है कि PMLN के करीब है, तो ज़रा सुनते हैं PMLN क्या सोच रही है, उनका नैरेटिव क्या है. और कभी कभी जब हम बहुत सारे जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग होते हैं, हम उनको सुनते हैं, अच्छा जी क्या सोच रही है फ़ौज. ठीक है, खान साहब के जो बहुत करीब लोग होंगे, जब वो लगता है उनका कोई भी TV पे आएंगे, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, सुनते हैं, अच्छा इसको क्या कह रही है PTI, क्या सोच रही है, राइट? एंड इट्स फाइन अगर आप ये करना चाहते हैं. मुझे इससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है.